आज की वीडियो में हम समझेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ओरल सर्जरी का टॉपिक है फाइनल ईयर में, अगर एग्जाम आपके आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और प्रैक्टिकली भी हमें पता होना चाहिए अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो हमें सारे पता होने चाहिए। इसके पहले भी कॉम्प्लिकेशंस के और उसके मैनेजमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम समझेंगे एक्सट्रैक्शंस के कितने टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो हम समझ रहे हैं आज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो ये समझने में आसानी होती है, याद करने में आसान होता है। एग्जाम में भी ऐसा ही आप लिख सकते हैं, पहले ऐसा चार्ट बना दीजिए फिर उसको आगे जाके डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। तो कॉम्प्लिकेशन दो में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला होता है लोकल कॉम्प्लिकेशन और सेकेंड है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। लोकल कॉम्प्लिकेशन और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। अब लोकल कॉम्प्लिकेशन को हम तीन में डिवाइड करेंगे। लोकल कॉम्प्लिकेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो पहला है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? ये हम प्रोसीजर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन होता है एक्सट्रैक्शन के टाइम, वो है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है लोकल में ही डिलेड कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, डिलेड कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस वो होंगे जो प्रोसीजर करते हुए हो रहे हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर हो गया है, एक्सेक्शन हो गया है, उसके कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद जो कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे वो डिलेड कॉम्प्लिकेशन होंगे। इसके बाद थर्ड है लेट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशंस वो होंगे जो एक्सेक्शन के कई समय बाद दिखेंगे, काफ़ी लंबा समय एक्सेक्शन को हो गया है उसके बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं वो लेट कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे। अब देख लेते हैं हम सिस्टेमिक में। तो सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में दो होंगे, एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, प्रोसीजर हम कर रहे हैं और उस समय अगर हो जाए तो वो होगा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन के अंडर। सेकंड है लेट कॉम्प्लिकेशन, जो एक्सेक्शन के काफ़ी समय बाद दिखेगा वो है लेट कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन का ये चार्ट आपको पहले याद रखना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, लोकल कॉम्प्लिकेशन सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, लोकल में इमीडिएट, डिलेड, लेट। इसके बाद सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ पूरा अच्छे से, उसके बाद हम समझते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो लोकल कॉम्प्लिकेशन, लोकल कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट, डिलेड और लेट कॉम्प्लिकेशन। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है देख लीजिए, 8 पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, अच्छे से देख लीजिए आप। फर्स्ट है फेलियर ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है वो अच्छे से काम ना करे। सेकंड है फ्रैक्चर ऑफ टूथ और रूट, जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो जिस भी टूथ को हम निकाल रहे हैं या रूट स्टम्स निकाल रहे हैं उसका फ्रैक्चर हो जाए, या पूरा टूथ भी निकाल रहे हैं तो उसका फ्रैक्चर हो जाए, रूट्स का फ्रैक्चर हो जाए। इसके बाद थर्ड है फ्रैक्चर ऑफ एल्वियोलस, जो बोन है, जो सॉकेट है उसका फ्रैक्चर हो जाए, जहाँ पर हमारा टूथ है उस बोन का फ्रैक्चर हो जाए। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ या फिर रूट इनटू टिश्यू, जिस भी टूथ को हम निकाल रहे हैं, रूट को हम निकाल रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए टिश्यूज में, जो अंडरलाइंग टिश्यूज है उसमें वो चला जाए। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लॉस ऑफ टूथ और पार्ट ऑफ टूथ इनटू फेरिंग्स एंड इनटू लंग्स और स्टमक, जो टूथ को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, रूट को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन के कि उसका जो पार्ट है, किसी भी टूथ का पार्ट है या पूरा टूथ है, वो फेरिंग्स में चला जाए या लंग्स में चला जाए या स्टमक में चला जाए। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि टूथ निकल गया है लेकिन पेशेंट उसको अंदर इंगल्फ कर ले। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फ्रैक्चर और सबलक्सेशन ऑफ एडजेसेंट टूथ, जिस भी हम टूथ को निकाल रहे हैं अगर उसके साइड में टूथ हैं, एडजेसेंट टूथ हैं, तो चांसेस होते हैं उसके सबलक्सेशन के या फिर फ्रैक्चर के चांसेस उसके हो सकते हैं।
नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यूज, जिस भी टिश्यू को हम निकाल रहे हैं उसके सराउंडिंग टिश्यूज के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद लास्ट है इमीडिएट में TMJ डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, ये भी चांसेस होते हैं कि हम फोर्सफुली अगर निकाल रहे हैं और मैंडिबल में अगर हम कर रहे हैं स्पेशली एक्सट्रैक्शन और हमने सपोर्ट नहीं दिया हुआ है मैंडिबल को, तो चांसेस होते हैं TMJ डिसलोकेशन के। और फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल भी एक्सेसिव फोर्स के कारण कई बार हो जाता है, इसीलिए सपोर्ट देने के लिए कहा जाता है, जब भी मैंडिबल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट देना चाहिए। इसके बाद आता है डिलेड कॉम्प्लिकेशन, तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, जब एक्सट्रैक्शन कर दिया उसके कुछ समय बाद एक्सेसिव पेन, बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को हो सकता है। सेकेंड है हीमोरेज, ब्लीडिंग पेशेंट की नहीं रुक रही है, आपने सेंड कर दिया है और जितने टाइम के बाद आपने गॉज निकालने के लिए कहा उसके बाद भी ब्लीडिंग पेशेंट की नहीं रुक रही है। और थर्ड है ड्राई सॉकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है ड्राई सॉकेट। और लेट कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस और क्रॉनिक पेन, एक्सट्रैक्शन के कई दिनों बाद भी पेन बना हुआ है ये हो सकता है, या फिर क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस। तो ये देख लीजिए आप लोकल कॉम्प्लिकेशंस में। इसके बाद आ जाते हैं हम सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस में, तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशन। तो इमीडिएट में क्या क्या होगा, जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं उस समय क्या हो सकता है, सिस्टमिक में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को, सेकेंड है कन्वल्सन्स हो सकते हैं, थर्ड है MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो आपको पूरा लिखना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट को हो सकता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस, इमीडिएट में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस पेशेंट को हो सकते हैं। अब सिस्टमिक में ही लेट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या हो सकते हैं, दो पॉइंट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और ट्रांसमिसिबल वायरल इन्फेक्शन, ये पेशेंट को हो सकता है लेट कॉम्प्लिकेशन में सिस्टमिक की अगर हम बात करें तो। तो ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा एक्सट्रैक्शंस के कॉम्प्लिकेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए हैं एग्जाम के लिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।